नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की वन टू थ्री चेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई में हुई, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस को कोलकाता के आर्चिका मेडिकल कॉलेज की घटना को छुपाने का प्रयास किया और सीबीआई जब तक जांच अपने हाथ में लेकर जांच शुरू करती तब तक सब कुछ वहां पर बदल दिया गया था। सीबीआई ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। इस दौरान जब क्या हो गया, अरे यार क्या आज नहीं, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई, जी हां, सुप्रीम कोर्ट में हुई है और ऐसे में इस दौरान सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने कोलकाता के आर्चिका मेडिकल कॉलेज की घटना को छुपाने का प्रयास किया। सीबीआई जब तक जांच अपने हाथ में लेकर शुरू करती वहां पर सब कुछ बदल दिया गया था। सीबीआई ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। इस दौरान जब सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीड़िता का दर्द की कहानी बयां कर रहे थे तब कपिल सिब्बल हंस रहे थे। उनकी हंसी पर तुषार मेहता भड़क गए और उन्हें खरी खरी सुनाई। When you start performing the postmortem, that means it is a case of unnatural death. No doubt about it. Postmortem starts at 18-10 hours. Yes. It comes to an end at 19-10 hours. Yes. What was the idea in registering UD at 23-30 hours? That's the FIR, Mother. That's not the UD. No, sir. Mother, I'm just... Let's listen to it. Sir. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे लेकिन उन तक को सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने और पढ़ने का मौका नहीं मिला। वजह यह थी कि जांच अभी जारी है और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं। बहरहाल सुनवाई के बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी है। सुनवाई से पहले सीजेआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आएं। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं।
मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। CGI ने कहा कि हमें बताया गया कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारें डॉक्टरों के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम कर सकती हैं। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और DGP के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये एक्सरसाइज एक हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करें। सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट में कहा, क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। रेप और हत्या के मामले को छिपाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली तब तक क्राइम सीन बदल चुका था। इस दौरान CBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों के साथ साथ पीड़िता के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा था। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी लगा कि इसमें कुछ छिपाया जा रहा है। तुषार मेहता ने पीठ से कहा, सबसे पहले अस्पताल के उपाधीक्षक ने पीड़िता के माता पिता को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया है। इस पर मृतक के साथियों ने वीडियोग्राफी के लिए जोर दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें मामले को छुपाने का शक था। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा, कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। That the death of the deceased was due to the effect of manual strangulation associated with smothering, anti-mortem and homicidal in nature. Correct. Also verbally opined that medical evidence of forceful penetration stroke insertion in her genitalia, possibility of sexual assault. This is a possibility. Accordingly, PO has been cordoned under proper guard. Also, several witnesses were examined and the statement was recorded, consulted CCTV footage in and around the vicinity of the PO. Yes. One thing therefore which is very clear is that the cordoning off and the preservation of the crime scene takes place after the post-mortem report is conducted. This is what the DD entry itself says. So first, the PM takes place between 6 and 7 in the evening, after which they start cordoning off the crime scene. Now just go forward. Experts of SFL, WB, have visited the spot under their direction and able guidance. Incriminating articles and documents were seized under videography in proper seizure list after observing all legal formalities by seizure list within 9th August. Supreme Court ki 4 badi tippniyan. सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 12:45 बजे FIR क्यों? अप्राकृतिक मौत रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? When you are taking the dead body for the purpose of performing postmortem, is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the postmortem? पिछले 30 वर्षों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। इस केस में महिला ASP अधिकारी की भूमिका पर संदेह। CJI के पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल, FIR 14 घंटे देर से क्यों दर्ज हुई? According to your record, the UD was registered at what times? 1:45 PM. 1:45 PM. No, that's not true. That 1:45 PM. How do we reconcile the two records? Mothers, I'll show that to you. Because we today have a report. Mothers, but that I'm saying, Mothers. Which indicates that this is the time. So therefore, it's very surprising. Post-mortem precedes registration of UD. No, Mother, this is what I am told, Mother, and I can only respond. Is someone responsible there to assist? Yes, certainly, Mother. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact,
then it is something very dangerous. I agree. प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज में आकर FIR दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसका बचाव कर रहे हैं? प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को काम क्यों दिया? GD 861 इंक्वेस्ट टेक्स प्लेस, आई हैव द इंक्वेस्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेज आई कंडक्टेड द इंक्वेस्ट एट 4:20 PM ऑन द 9th ऑफ ऑगस्ट, करेक्ट? दैट इंक्वेस्ट रिपोर्ट रिफर्स टू GD 861. यस. नाउ इफ द पुलिस से दैट द GD 861 वाज रिकॉर्डेड ऑन रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन जस्ट बिफोर, ऑब्वियसली बिफोर द FIR इज रिकॉर्डेड दैट नाइट, how is it that an inquest at 420 refers to 861? Malaj, I do not know what, sorry, how it will, it will start. It says UD 1861. Malaj, it's just recording. It says UD 861. Ask the ACGM, Malaj. Ask the ACGM. He is there. Ask the ACGM, Malaj. Everything is on record. Your memo says 861. Postmortem says 861. And Malaj, the real thing is the investigation. Why are we moving away? What has happened in the investigation? इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने पूरी ईमानदारी से प्रक्रिया का पालन किया। ऐसे में CBI की स्टेटस रिपोर्ट केवल मामले को उलझाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि CBI को कोर्ट को बताना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते में उसने मामले में क्या प्रगति की है। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में CBI की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिब्बल को हंसते हुए देखा तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एक लड़की की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। अभी के लिए इसके बाद से डॉक्टरों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जिसमें सभी बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार को भी जरूरी संगठनों के साथ मीटिंग करने के निर्देश जारी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की नसीहत देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को रेप के लिए निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है। पिछले साल हाई कोर्ट ने साधार पर सजा को खत्म कर दिया था कि नाबालिग लड़की ने स्वेच्छा से संबंध बनाने का बयान दिया। उसी फैसले में हाई कोर्ट ने लड़कियों को खुद पर काबू रखने की नसीहत भी दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को अवांछित करार दिया। इससे पहले मंगलवार को जस्टिस अभय एस ओक और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में भी विस्तार से बताया है कि अदालतों को किस तरह से फैसला लिखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद शीर्ष अदालत की तरफ से एक स्वतः संज्ञान में आया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे 2 मिनट के आनंद के लिए समर्पित होने के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस JB पार्थीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। CJI ने कहा कि हमने संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हत्या के अलावा ये देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी है। हम डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। Safe conditions of work are provided. This is not a matter of providing protection either to women or protection to doctors in general. It's a matter of creating safe conditions of work. So that they, ultimately, what is equality under the constitution all about? If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. And therefore, we are entertaining this, and I'll very shortly share the way we want to proceed with this to ensure that ultimately it's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. CJI ne kaha ki hum peedita ki pehchan ujagar karne ko lekar chintit bhi hain. What happened in Kolkata is concerned. Possible couple of things from what we have. Of course, first let me begin by saying that we are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been published all over the media. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published. Right. Showing her body, after she was subjected to it.
extremely concerning with my judgments of our court in Nipun Saxena that you will not publish the names of the survivors of sexual assault in this case. CJI ने पश्चिम बंगाल से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया, क्या पीड़िता ने माता पिता को सूचना देर से दी, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, क्या हत्या के तहत FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज कराने में देरी क्यों हुई, शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, हजारों लोगों को अंदर क्यों आने दिया. Nobody in the hospital registers the FIR, father registers the, what was the principal, the vice principal, what were the authorities in the hospital doing? They wanted a board, we constituted a board, they wanted a magistrate, we got the magistrate. You don't need to realize time for registration of FIR, you don't need a medical board for registration of FIR. CJI ने कहा कि CBI इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसीलिए सीधा रिपोर्ट कार्ड में दिया जाए. CJI ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टर्स की भागीदारी हो. CJI ने कहा कि डॉक्टर्स कोर्ट पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है वे काम पर लौटे. CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट की देरी के बाद क्यों FIR दर्ज की गयी. CJI ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो FIR दर्ज कराए. वहीं SJ तुषार मेहता ने कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बड़ा सवाल है कि 7,000 लोग कैसे अस्पताल में घुस गए, ये बिना पुलिस की जानकारी के संभव नहीं है. SJ तुषार मेहता ने राज्य पुलिस के DGP को बदलने की मांग करते हुए कहा कि किसी दूसरे अधिकारी को प्रभारी DGP बनाया जाए. SJ के कहने पर CJI ने कहा कि ठीक है, CISF RG कर अस्पताल और हॉस्टल को सुरक्षा देगा. राजीव कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिकॉज ऑब्वियसली द वुमेन डॉक्टर्स हैव लेफ्ट फॉर द रीजन दैट दे आर फियरफुल ऑफ देयर सेफ्टी. इफ द प्रीमाइसेस ऑफ दिस हॉस्पिटल हैव टू बी सेफगार्डेड फॉर दीज डॉक्टर्स टू रिज्यूम ड्यूटी, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एट द प्रीमाइसेस? वी विल बी गिवन एन अंडरटेकिंग टू दिस कोर्ट. CISF सिक्योरिटी विल गिवन अंडरटेकिंग टू दिस कोर्ट. वी विल फाइंड गिवन लेट इट बी CISF. CJI ने कहा कि डॉक्टर्स के पास आराम करने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में सुरक्षा की कमी है, अस्पताल में चिकित्सा पेशेवर के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें एडमिरल आर सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना, दिल्ली एम्स निदेशक समेत 9 सदस्य होंगे जो 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने CBI से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, साथ ही बंगाल सरकार से भी अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी है. As in this backdrop formed the view that a national consensus must be evolved after due consultation with all stakeholders on the urgent need to formulate protocols governing the issues which this order has highlighted. We have attempted to compose for this purpose a diverse body of persons with experience in healthcare institutions. A national task force with the following members of the medical profession is hence constituted. इसके अलावा राज्य सरकार से भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें. CJI ने कहा कि टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी जिसका काम लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डॉक्टर के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना होगा. कमेटी इन विषयों पर भी अपनी रिपोर्ट देगी. ब्यूरो रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है और केजरीवाल ने अपनी इस याचिका पर जमानत की मांग करते हुए कथित शराब घोटाले में CBI द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है. कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ के समक्ष CBI ने कहा कि हमने पहला जवाब पहले ही अपना दाखिल कर दिया है लेकिन अभी रिकॉर्ड पर नहीं है और दूसरा जवाब दाखिल करना चाहते हैं, इसके लिए हमें वक्त चाहिए. CBI के अनुरोध पर पीठ ने जांच एजेंसी को 2 दिन में जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया और केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया. ASG SV राजू ने कहा है कि वह 1 सप्ताह में दूसरी याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे. इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को तय की.
वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई ने केवल एक याचिका में जवाबी हलफनामा दायर किया और गुरुवार 8 बजे उन्हें ये सौंपा गया। सीबीआई ने जवाब देने में देरी की है ताकि ये रिकॉर्ड में न आए। सीबीआई ने दाखिल अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल अदालत के समक्ष मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके कि विभिन्न अदालतों द्वारा बार बार दिए गए आदेश प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने से संतुष्ट है, जिसके लिए पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा को क्या 2013 से बिस्तर पर पड़े एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है या नहीं। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ये कठिन मामला है, हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। साथ ही एस जे ऐश्वर्य भाटी को मामले में एमिकस नियुक्त करते हुए उन्हें कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया। सीजीआई ने कहा कि हम देखेंगे कि 2013 से बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति उसे कहीं और रखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि कोर्ट को इस बात का भी ध्यान है कि उसके माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं और अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने केंद्र को नोटिस जारी किया है। सीजीआई ने कहा कि इसके साथ ही इस मामले में ये भी देखना होगा कि क्या पैसिव इच्छा मृत्यु के अलावा कोई अन्य मानवीय समाधान भी उसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि ऐसे मामले में कॉमन कॉज के निर्णय के अनुसार पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है यांत्रिक रूप से जीवित नहीं रखा गया बल्कि वह जीवन रक्षक के बिना जीवित है। ऐसे में ये मामला पैसिव इच्छा मृत्यु के दायरे में नहीं आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा गंभीर मस्तिष्क क्षति की वजह से 30 साल के एक व्यक्ति जो कि 13 साल से बेसुध बेड पर पड़ा हुआ है, उसकी जागरूकता और जवाब दे पाने के अंदर वो सक्षम हो जाने के कारण, आपको बता दें कि असक्षम हो जाने के कारण उसे पैसिव इच्छा मृत्यु दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पैसिव इच्छा मृत्यु दिए जाने के लिए कमेटी गठित किए जाने से इनकार कर दिया है। बेसुधी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सर पर गंभीर चोट लग जाने के कारण से अपनी आंखें तो खोल सकते हैं लेकिन वे उन चीज़ों को नहीं बोल सकते या नहीं कर सकते जिनके लिए विचार या सचेत इरादे की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी कोटे को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में 85 से ज्यादा याचिकाएं लंबित थी लेकिन अब सारे केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है जिसमें भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाए जा रहे 87.13 फॉर्मूले पर सवाल उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के मामले में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इससे पहले ये याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित थी जहां पर बड़े हुए कोटे के पक्ष और विपक्ष में 85 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई टल रही थी क्योंकि इसी तरह की कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित थी। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जब ये मामला उठा तो उन्होंने 1 साल से ज्यादा समय तक सुनवाई टाल दी। दरअसल कोटा बढ़ोतरी को चुनौती देने वालों के वकील ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में एक साथ नहीं हो सकती है। मंगलवार को जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया कि एमपी हाईकोर्ट में लंबित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उस 87.13 फॉर्मूले पर नोटिस जारी किया जिसे एमपी पीएससी और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियां और विभिन्न सरकारी विभाग रिक्तियों को भरने के लिए अपना रहे हैं। इस फॉर्मूले के तहत केवल 87% रिक्तियां भरी जा रही है और 13% रिक्तियां खाली रखी जा रही है। इसका नतीजा ये होता है कि सामान्य और ओबीसी दोनों श्रेणियों में 13% उम्मीदवारों को इस आधार पर रोक दिया जाता है कि 13% की बढ़ोतरी पर कानूनी लड़ाई का फैसला होने पर दोनों में से किसी एक समूह को नियुक्ति दे दी जाएगी। सभी याचिकाओं के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद जल्द ही सुनवाई शुरू होने की संभावना है।
कोचिंग मौत मामले में सुनवाई हुई। बता दें आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। सभी छात्र बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया। और प्रधान न्यायाधीश, आपको बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं, इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। अदालत ने सीबीआई और बेसमेंट के 4 सह मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह ना रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग में 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। ये सभी छात्र बिल्डिंग के बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी बारिश का पानी कोचिंग के बेसमेंट में घुस आया था और डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई। जो ऑनर थे, एक तो जो बेसमेंट था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और बेसमेंट जो है वहां पर 2 स्टोरी में था, बेसमेंट 1 था और बेसमेंट 2 था। बेसमेंट 1 में जो है वो पार्किंग दिखा रहे हैं, बेसमेंट 2 में लाइब्रेरी था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जो बिल्डिंग बायलॉज जो है 2016 जो है दिल्ली का, उसका वायलेशन है, क्रॉस वायलेशन है। एक तो ये ग्राउंड दिया, दूसरा ग्राउंड जो है बेल रिजेक्ट होने का ये था कि ऑल्दो जो है ऑनर्स के नॉलेज में था पहला चीज कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दूसरा चीज ये इलीगल तरीके से वहां पर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं ये उनके नॉलेज में था, और जो वहां पर पानी का जो जमा होता है वो भी उनके नॉलेज में था। तो इस तरह जब तीसरा ये ग्राउंड था कि एक स्टूडेंट जो है, एक सामान्य आदमी जो है, कॉमन आदमी, वो बता रहा है कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी चल रहा है, इलीगल तरीके से क्लास चल रहा है और एक बड़ा मिस हैपनिंग हो सकता है। तो जब उनको पता था तो उनके भी जान नॉलेज में था, ऑनर के नॉलेज में, कि ये एक्टिविटी हो रहा है। तो जब इनके नॉलेज में था, तो जो कल्पेबल होमसाइड है उसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है तो वो जो है सेक्शन इन्वोक होगा 205 BNS। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित कथित बहुकरोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक सुनवाई जारी है सिद्धारमैया पर कार्रवाई नहीं हो, और हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया कि दरअसल गवर्नर ने जमीन घोटाले के केस में चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि मंजूरी आदेश बिना सोचे समझे जारी किया गया है, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और सदा संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। ये दावा किया गया कि मंजूरी का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा हुआ है, राजनीतिक कारणों से कर्नाटक के विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के ठोस प्रयास का हिस्सा है। राज्यपाल गहलोत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में गैर पक्षपातपूर्ण जांच की आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आरोप और सहायक सामग्री अपराधों के लिए किए जाने का खुलासा कर दिया। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक पहलू का कार्यान्वयन देखा गया, जैसे कि अन्ना भाग्य योजना और जो कम आय वाले परिवारों को मुफ्त चावल प्रदान करती है अन्ना भाग्य योजना से उनको लाभ मिला, और शेर भाग्य योजना जो कि स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध प्रदान करती है, 5 गारंटी योजना, इन पहलू से उन्हें वंचितों के उत्थान के लिए उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की और विश्वसनीय और प्रिय नेता बना दिया। हालांकि आरोपित आदेश जो कि याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए मंजूरी देता है, न केवल उनके व्यक्ति पर सीधा हमला है बल्कि मुख्यमंत्री के कार्यालय का भी अपमान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति और चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जैसे कि फादर, कर्मकांडी, मौलवी या फिर मुल्ला आदि, वह यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा अगर वह किसी व्यक्ति को बलपूर्वक गलत बयानी, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव
जबरदस्ती और प्रलोभन देकर धर्मांतरित करता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मौलाना को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की है, जिस पर पीड़िता को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने और मुस्लिम व्यक्ति के साथ उसका निकाह कराने का आरोप है। अदालत ने धारा 164 CRPC के तहत दर्ज पीड़िता लड़की के बयान को ध्यान में रखा है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और निकाह किया गया। अदालत ने कहा है कि आवेदक आरोपी मोहम्मद शाह ने आलम यूपी धर्म के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धारा 2(1) के तहत परिभाषित धर्म परिवर्तक होने के नाते 2021 अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।